परदेशी पुरा पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी इंदौर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में वाहन चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने पूछताछ के बाद 5 दोपहिया वाहन जब्त किए। बदमाश पूर्व में भी वाहन चोरी चेन की लूट की वारदात को अंजाम दे चुका है। परदेशी पुरा पुलिस के हत्याया बदमाश दुकान और पार्किंग से वाहन चोरी करने की बात सुने इलाके में रख देता था। मौके मिलने पर इंदौर के आसपास के ग्रामीण इलाकों में सस्ते दामों में वाहन बेच देता था। पुलिस की माने तो गिरफ्तार आरोपी दीपक अब तक कई वाहन चोरी कर चुका है। पुलिस के पूछताछ में आरोपी ने अब तक 5 दोपहिया वाहन जब्त हुए हैं। पुलिस ने आशंका जताई है कि इस वाहन चोर से और भी गाड़ियां मिल सकती है। वहीं यह बदमाश पहले भी वाहन चोरी और चेन लूट की वारदातें कर चुका है, जिनके बारे में भी पूछताछ की जा रही है। थाना परदेशीपुरा में कल दिनांक को थाना हीरानगर निवासी दीपक पिता राजू सिकरवार को एक वाहन सस्ते में बेचने के फिराक में खड़ा था, उस सूचना पर पकड़ा गया, जिससे वाहन के दस्तावेज मांगे गए जो प्रस्तुत नहीं कर पाया। प्रारंभिक जांच में यह पता चला कि वो गाड़ी थाना MIG से 10 अगस्त को चोरी हुई थी, जिसकी पूछताछ में उससे जब्त की गई, जो चोरी का कबूलना उसने स्वीकार किया। उसके बाद थाना परदेशीपुरा के 3 वाहन थाना परदेशीपुरा में वर्ष 2019 में और 1 वाहन वर्ष 2020 का, इस प्रकार कुल 4 वाहन परदेशीपुरा से चोरी गए थे, वो भी उसने बरामद कराए। इस प्रकार उक्त आरोपी से 5 वाहन चोरी के बरामद हुए थे। आरोपी का रिकॉर्ड ये है कि उसके खिलाफ थाना विजयनगर में 1 लूट का मामला तथा थाना हीरानगर में 1 नकबजनी का और 2 वाहन चोरी के मामले पूर्व से पंजीबद्ध हैं। सर, ये गाड़ी चोर कहाँ खड़ी करता था? ये गाड़ी चोरी कर लेता था और चोरी करके किसी अन्य स्थान पर खड़ा कर देता था, उसके पश्चात उस गाड़ी को वहाँ से ले जाके वो बेच देता था। सर, क्या किसलिए चोरी करते थे? ये अपने खर्चे के लिए ही चोरी करता था, चूँकि इसके पास अन्य कोई काम नहीं है, मजदूरी करता है, तो इसका मुख्य काम चोरी करना ही था। ये रहने वाला थाना हीरानगर छोटी भमोरी का। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।